नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूपी के अंबेडकर नगर में मनचलों की करतूत से परेशान इंटरमीडिएट की छात्रा की मौत के बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश शर्मसार है। इन मनचलों ने दुपट्टा खींचा था, लड़की साइकिल से गिरी और मौत हो गई। सिस्टम से सवाल पूछा जा रहा है कि जब पिता ने पहले पुलिस से शिकायत की थी तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। अब पुलिस एक्शन में है, तीनों को गिरफ्तार किया और इसी दौरान खबर है कि मेडिकल के दौरान तीनों ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने मारी गोली, एक का गिर करके पैर टूटा, बाकी दोनों जख्मी हैं। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी शहबाज और फैसल के पैर में गोली लगी है, जबकि तीसरे आरोपी का पैर टूट गया है, वो भाग रहा था तभी हड़बड़ाहट में गिर गया। मृतक लड़की के पिता ने जो बताया है वो वाकई में पुलिस के लिए शर्मसार करने वाली बात है। उनकी बेटी बायोलॉजी की छात्रा थी, पढ़ाई में बेहद अच्छी थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। पिता शहबाजीत वर्मा के मुताबिक मौखिक तौर पर पुलिस वालों से एक हफ्ते पहले इन मनचलों की हरकतों को लेकर के शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुध नहीं ली। अगर उस वक्त कार्रवाई हो गई होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था, इसी दौरान उन्होंने भागने की कोशिश की, फिर हुआ इनकाउंटर। घटनाक्रम के मुताबिक शुक्रवार को लड़की अपने दोस्तों के साथ स्कूल से वापस घर आ रही थी। मृतक छात्रा के दोस्त ने रोते हुए बताया है कि शहबाज, फैसल और एक अन्य लड़की का पीछा कर रहे थे, वो पहले भी ऐसा ही करते थे। शुक्रवार को सीधा दुपट्टा खींच लिया जिसकी वजह से वो साइकिल से गिर गई, पीछे से फैसल ने उसके ऊपर बाइक चला दी। जब तक सहेली पहुंची उसके मुंह से खून आ रहा था, वो कुछ नहीं बोल पाई, अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्रा के पिता ने बताया है कि उसकी माँ का देहांत 8 साल पहले हो चुका था, पढ़ाई के साथ साथ उनकी बेटी घर के काम भी करती थी। पिता ने कहा कि बेटी को इसलिए पढ़ने भेजा था कि वो बुढ़ापे में सहारा बनेगी। घटना को लेकर अंबेडकर नगर के SP अजीत सिन्हा अब कह रहे हैं कि छात्रा पर हमले के आरोपी शहबाज और फैसल की मेडिकल के दौरान भागते वक्त पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी है, तीसरे आरोपी का पैर टूटा है। IPC की धारा 302 के साथ ही पास्को एक्ट में केस दर्ज किया गया है। लड़की के मौत के बाद लापरवाही के आरोप में हंसवर थाना अध्यक्ष को SP ने सस्पेंड कर दिया है। अब सस्पेंड कीजिए चाहे टर्मिनेट कीजिए, पुलिस ने जो लापरवाही बरती उसका खामियाजा तो लड़की और उसके परिजन भुगत रहे हैं। वो इंटरमीडिएट की छात्रा थी, पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती थी, बायोलॉजी साइड से थी और अब उसके पिता का रोकर बुरा हाल है। माँ पहले ही गुजर गई थी, पिता आधा टूटा हुआ था, बेटी किसी तरीके से घर संभाल रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, वो बेटी भी चली गई। अब बूढ़ा बाप पूछ रहा है किसके लिए जीऊँ, कौन बनेगा सहारा। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।